अभी हम बात करें ट्रिपल सी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शॉर्टकट कीज, यानी कि ट्रिपल सी में जो शॉर्टकट की पूछे जाते हैं राइटर के, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए हम कुछ अलग से नहीं बताएंगे जो कि इसमें दिया हुआ है, मैं उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि अलग से कुछ पूछता नहीं राइटर में, तो राइटर में अलग से बताने की क्या ज़रूरत है। तो फिर देखिए यहाँ पे फाइल मेनू आ जाते हैं। फाइल मेनू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शॉर्टकट की जो है सेव एज का, तो सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस यानी कि सेव एज क्या होता है, देखिए जो हम कोई फाइल पहले से बना करके सेव किए हुए हैं, यानी कि हम कोई फाइल बना करके पहले से सेव किए हुए हैं और उसी फाइल को हम दोबारा खोलते हैं, खोलने के बाद हम चाहते हैं कि वही फाइल किसी और नाम से दोबारा सेव हो जाए, तो हम सेव एज का यूज़ करते हैं, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करते हैं तो आपका सेव ऑप्शन खुल जाता है। ओके, और यहाँ पे हम उसी फाइल का कोई और नाम दे करके सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे इसमें ये प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, यानी कि हम प्रिंट होने से पहले किसी पेज को देखना है, यानी कि जो पेज हमें प्रिंट करना है उस पेज को, वह पेज कैसा प्रिंट होगा यह देखने के लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के यूज़ करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके, इसमें नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आप फाइल मेनू में दो ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थे जो कि आपने देख लिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिट। एडिट में आ जाते हैं, देखिए एडिट में जो पूछता है रिपीट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो मैं बता दूँ कि रिपीट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। ओके, ये सब शॉर्टकट की का जिक्र हमने कर दिया हुआ है एक पहले वाले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, तो ये सारे शॉर्टकट की हमने बता दिया है, जो एडिट मेनू में जितने भी शॉर्टकट की दिया गया है इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया उस वीडियो में। ओके, व्यू में आ जाते हैं। व्यू में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेटिंग मार्क, यानी कि फॉर्मेटिंग मार्क यहाँ पर दिया भी है, हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और चाहें तो कंट्रोल प्लस F10 करके भी ले सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग मार्क का क्या काम होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई पेज लिखे होते हैं तो उस पेज के सबसे लास्ट में इंडिकेट करता है फॉर्मेटिंग मार्क। ओके, यानी कि हम चाहें तो कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल F10 करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और कंट्रोल F10 करके भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि आपको उसे लाना है तो कंट्रोल F10 कीजिए आ जाएगा और उसे हटाना है तो कंट्रोल F10 कीजिए हट भी जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें शॉर्टकट के दिया हुआ है आपका, आइए नहीं पूछेगा ये साइड बार। तो साइड बार देखिए यहाँ पे साइड बार आपको दिखा रहा है, इस साइड बार को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल F5 भी करते हैं और हाइड मतलब हाइड और शो कराने के लिए कंट्रोल F5 करते हैं। नहीं देखिए यहाँ पे आपको जो साइड बार दिखाई दे रहा है इसको साइड बार बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है कंट्रोल F5 से हम कर सकते हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें F11 क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमने यह स्टाइल बताया था अभी, तो ये स्टाइल को हमें एक्टिवेट करना है, तो F11 की प्रेस करके एक्टिवेट को मतलब यहाँ पे हम F11 की प्रेस करके हम यहाँ पे स्टाइल को ला सकते हैं और कौन सा स्टाइल हमें लगाना है अपने टेक्स्ट पे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें तो नेविगेटर को ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं, यानी कि जो हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारा नेविगेटर ऑन हो जाता है और इसको हाइड करना है तो F5 से ही ये हाइड भी हो जाता है। ओके, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले मैंने सारे शॉर्टकट की को मैंने बता दिया जो कि कंट्रोल S लेकर के Z तक होते हैं, ये सारे शॉर्टकट की हमने बता दिया है। ये बस आपके जो स्पेशल शॉर्टकट कीज हैं जो कि आपके कंट्रोल S लेकर के Z के बाद आते हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका, उसके बाद से आता है यहाँ पे आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। तो यहाँ पे हमने जो डेटा लिया हुआ है उस डेटा का सोर्स मतलब देखने के लिए हमें जो डेटा कहाँ से लिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 करते हैं, तो इस डेटा का सोर्स यानी कि मैंने कहाँ से लिया हुआ ये चीज़ इसके बारे में भी नहीं बता रहा है क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट यहीं पर लिखा है। ओके, इसको हम हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे क्या होता है कि आपके जो ये लिखा गया ना डेटा, ये जो आपने डेटा लिया है ना इस डेटा को फुल स्क्रीन करने के लिए, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करके देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करते ही आपका फुल स्क्रीन हो गया। ओके, हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करके फुल स्क्रीन को मतलब नॉर्मल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका
इसमें तो ख़त्म हो गया, इंसर्ट मेनू में आ जाते हैं। इंसर्ट मेनू में देखिए पूछ रहा है कमेंट का, तो कमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शॉर्टकट की है कि कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, और प्लस किस मेनू में पाया जाता है ये, तो या जिस मेनू में पाया जाता है उसे इंसर्ट मेनू कहते हैं, यानी कि यहाँ पर इंसर्ट मेनू में ये पाया जाता है, प्लस इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है, यानी कि हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, तो यहाँ पर कमेंट देने का ऑप्शन आ जाता है। ओके, इसको हम हाइड कर लेते हैं, किसकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपका इसमें कंट्रोल के, कंट्रोल के तो मैंने उस शॉर्टकट में बता दिया है, लेकिन कंट्रोल के याद रखिए क्योंकि कंट्रोल के बहुत ज़्यादा पूछता है, राइटर में पूछता है, इम्प्रेस में पूछता है और कैल्क में पूछता है। ओके, यहाँ देखिए पेज ब्रेक की शॉर्टकट की, तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ इंटर होती है, यानी कि हमें किसी एक नए पेज को लेना, इस डेटा को हमें नए पेज पर लेकर जाना है, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में इंटर आ जाएगा हमारा नया पेज। ओके, नया पेज नहीं होता मतलब एक ही पेज को दो हिस्सों में तोड़ देता है। ओके, तो ये हमारा हो गया जो कि इसमें था आपका क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट में आ जाते हैं, फॉर्मेट में जो शॉर्टकट की दिया है इसमें फॉर्मेट में कोई शॉर्टकट की नहीं दिया गया है। ओके, स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में देखिए। ओके, नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट कि ये हेडिंग के लिए कंट्रोल सॉरी देखिए हेडिंग वन के लिए कंट्रोल वन होता है, हेडिंग टू के लिए कंट्रोल टू होता है, हेडिंग थ्री के लिए कंट्रोल थ्री होता है, ऐसे कुछ नॉर्मल हेडिंग फोर की बात करें तो कंट्रोल फोर होता है, कंट्रोल सॉरी हेडिंग फाइव की बात करें तो कंट्रोल फाइव होता है। ओके, तभी करके देख लेते हैं, देखिए हेडिंग फाइव के लिए आपका कंट्रोल फाइव होता है, हेडिंग फोर के लिए हेडिंग फोर होता है सॉरी कंट्रोल फोर होता है, और हेडिंग थ्री के लिए कंट्रोल थ्री होता है, और हेडिंग वन के लिए हेडिंग कंट्रोल वन होता है। ओके, तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, जाके फिर स्टाइल पर चलते हैं। स्टाइल में आपका ये तीन हो गया ना, मतलब कंट्रोल वन कंट्रोल टू कंट्रोल थ्री। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर पूछता है न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल नहीं पूछता है, मैं ये भी नहीं पूछता है मतलब नहीं पूछता है। ओके, देख लीजिए, लेकिन न्यू स्टाइल क्या होता है कि हमने जो यहाँ पे स्टाइल अभी लिया हुआ था ना, इसी स्टाइल को नया ऐड करने के लिए हम लोग इस मतलब शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करते हैं, और उसी स्टाइल को अपडेट करने के लिए हम लोग जैसे कि मान लीजिए उसमें नहीं मिलता है, हमने बना लिया है न्यू स्टाइल नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 करके उसे अपडेट कर सकते हैं, और मैनेज स्टाइल मतलब उसको हम एडिट कर सकते हैं। ओके, फिर टेबल में आ जाते हैं कि टेबल में इंसर्ट टेबल क्या होता है। इंसर्ट टेबल का मतलब कि हम अपने पेज पर जो टेबल लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करेंगे, कंट्रोल F12 करते ही आपका यहाँ पे एक F12 करने वाला यहाँ पे टेबल पूछता है ना, टेबल आपको कितना चाहिए, और मान लीजिए कि आपको पाँच चार कॉलम चाहिए और छः रो चाहिए, तो छः रो और चार कॉलम ले लीजिए और यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। ओके, यानी कि चार कॉलम हो गया आपका, छः रो हो गया, ये जो होती है ना इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। ओके, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम, और ये रो होता है आपका एक रो दो तीन चार पाँच छः, यानी कि छः रो और चार कॉलम। ओके, नेक्स्ट है आपका ये फार्मूला, फार्मूला पूछता है ज़्यादातर कि फार्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है, तो जो फार्मूला की शॉर्टकट की होती है वो F2 होती है, यानी कि हमें जैसे कि F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला बार खुल जाता है। ओके, यहाँ पे फार्मूला बार खुल जाता है, यहाँ पर आपको जो भी कैलकुलेशन करना है उस कैलकुलेशन को लिखिए और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए कि आपको 5 + 6 + 9 × 8 करना है, और यहाँ पे आपको मतलब वो डेटा लाना है तो आप इंटर कीजिए, आपका आ जाएगा टोटल कैलकुलेशन करके तो उसका मतलब कितना हुआ। ओके, तो ये आपका टेबल में आपके दो शॉर्टकट की हैं, आप इनके बारे में देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म, फॉर्म में देखिए शॉर्टकट की नहीं दिया गया है। ओके, टूल में आते हैं, टूल में शॉर्टकट की दिया हुआ है, टूल क्या शॉर्टकट की है पूछता है स्पेलिंग का शॉर्टकट की है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पूछता है, स्पेलिंग का नहीं होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की पूछता है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है F7 होता है, यानी कि जब भी हम कोई डेटा यहाँ पर लिखते हैं और उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, यानी कि हम लिख लेते हैं AELE की जगह पे W लिख लेते हैं और यहाँ पे ये गलती हो गई, यानी कि एक जगह पे हमने W लिखा और कीबोर्ड से F7 की प्रेस करते हैं, यहाँ बताता है कि AELE नहीं होकर ये AELE होता है या AELY होता है या AELET होता है, आपको इसमें से लेना कौन है, और जो मुझे नहीं लेना था इग्नोर कर देंगे
और अब जो इसे हमें लेना है, अप्लाई को लेना है, तो अप्लाई को लेकर के यहाँ से करेक्ट करेंगे, तो ये अप्लाई हो करके सही हो जाएगा और यहाँ से इसे हम क्लोज कर लेंगे। ओके, उसके बाद पूछता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का, यानी कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करता रहे तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7 होती है, और थिसारस की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F7 होती है। ओके, यानी कि थिसारस की शॉर्टकट की कंट्रोल F7 होती है, और ये स्पेलिंग ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7 होती है, ऑटो करेक्ट की कंट्रोल प्लस F3 होती है, यानी कि ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाना। ओके, बाकी इसमें जो अभी कोई शॉर्टकट की पूछता नहीं है, कंट्रोल प्लस अल्ट ई नहीं पूछता है, और ऑप्शन का भी नहीं पूछता है। ओके, यहाँ पे क्लोज डब्ल्यू, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, सॉरी वो शॉर्टकट की भी मैंने बता दिया, कंट्रोल ए से लेकर जो जेड तक शॉर्टकट की होते हैं उसमें बता दिया, जो जिसने नहीं देखा है, जिस भाई ने नहीं वीडियो को देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस वीडियो को जा करके देख सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए F11, सॉरी F1, F1 क्या होता है कि जो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कमांड इसमें वर्क नहीं कर रहा है या कैसे वर्क करेगा ये आपको जानना है, तो आप सिंपली F1 की प्रेस कीजिए, F1 की प्रेस करते हैं आपका, और यहाँ पे आपका ऑफलाइन हेल्प में सॉरी ऑनलाइन हेल्प मेनू खुल जा रहा है, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, हमारा नेट कनेक्ट नहीं है बट फिर भी जो भी है यहाँ पे दिखाएगा आपको। ओके, क्लियर। तो अभी आपके जो इतने शॉर्टकट की हैं, ये शॉर्टकट की लगभग पूछे जाने वाले शॉर्टकट की हैं, देखिए इसमें जो शॉर्टकट की दो तीन शॉर्टकट की और पूछ देता है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, कि ये जो है ना यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ओके, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसकी शॉर्टकट की होती है, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ओके, ये होते क्या है ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने अभी अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई पे ही हम बता देते हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि जब भी हमारा कोई लेटर होता है तो लेटर से जस्ट जो हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में जो लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं उस टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के अपेक्षा कुछ ऊपर दिखाना सुपर स्क्रिप्ट का वर्क होता है, और उस टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट के अपेक्षा कुछ नीचे दिखाना सब स्क्रिप्ट का काम होता है। ओके, अभी हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको नीचे करना है तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे हो गया, और उसे हम सेलेक्ट करके ऊपर करना चाहते हैं तो सब सुपर स्क्रिप्ट कर लेंगे। ओके ओके, तो अभी ये